चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है और इससे संबंधित नियम क्या कहते हैं। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1969 के नियम 7 में कहा गया है कि यदि अधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है तो प्राधिकरण कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। कथन दो, भारतीय पुलिस सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6(1) में प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसे राज्य लागू करेगी। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने। यह चर्चा में क्यों है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद भारत सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी किया था। ये तीनों अधिकारी सुरक्षा प्रभारी थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से इनकार करते हुए इन आईपीएस अधिकारियों में कमी का हवाला दिया। ठीक ऐसा ही इनकार 2001 में तमिलनाडु सरकार ने किया था। तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसने अंततः गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। इससे संबंधित नियम क्या कहता है। केंद्र सरकार ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को कैडर आवंटित करता है। गृह मंत्रालय आईपीएस कैडर, आईएएस कैडर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और आईएफएस कैडर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आते हैं। नियम के अनुसार राज्य सरकार के अधीन तैनात सिविल सेवा अधिकारियों के विरुद्ध केंद्र कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1969 के नियम 7 में कहा गया है कि यदि अधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है तो प्राधिकरण कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एक अधिकारी पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है। भारतीय पुलिस सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6(1) में प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसे राज्य लागू करेगी। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।